अगर आप यहां पर आना चाहते हैं एज एन ऑडियंस, तो आपको हमको ईमेल नहीं भेजना है, आपको रजिस्टर करना है मेरी वेबसाइट के ऊपर, दैट इज www.sandeepmaheshwari.com। वहां पे आप रजिस्टर करेंगे, उसके बाद में आपके पास में एक SMS आएगा जिसपे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एंट्री पास मिलेगा जिसके बेस पर आप यहां पर आ सकते हैं। लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली एबी वायरल। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। तो अभी कुछ देर के लिए ये आपके सामने परफॉर्म करेंगे, मैं वहां पे ऑडियंस में बैठूंगा आप लोगों के साथ में। तो यार, जो इंसान जिसको आज साक्षात संदीप सर के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला है स्टेज पे, वो पहली बार जब स्टेज पे आया था तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? रैप में बताता हूँ, अगर मजा है तो तालियों के साथ बता देना। पहली बार पकड़ा माइक अपने हाथ में, पहली बार इतने लोग मेरे सामने, पहली बार इतना खुश ये जुनून, पहली बार आया हाथ लगे कांपने, धड़कने थी तेज माहौल में था शोर, पहली बार इतने लोग मुझ पे कर रहे थे गौर, ऐसा क्या बोलेगा स्टेज पे तू आके, घूर घूर मुझ पे तैनात लाखों आंखें, नर्वस था लड़का स्टेज पे खामोशी, फ्रीज था शरीर जैसे आई हो बेहोशी, पहला पहला शो फ्लॉप पर जुनून था सवार, बार बार हर बार को मैं लिखूंगा दिल से, हेड शॉट किल शॉट हेड शॉट वाले किल से, फील में रिवील करता मन की वो बात, लाखों सब्सक्राइबर्स आप लोगों का साथ, एक हाथ लैपटॉप पे दूसरे से वेव्स वो बना रहा है, आता मन में जो माइक पे वो गा रहा है, अपनी सोच से अपनी सोच को फैला रहा है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। फिर आप ऐसे कह रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि आग लगा दूंगा, जल लगा दूंगा सबके सामने, मुश्किलों को ले लूंगा। गौर फरमाना है, मतलब सर की बात को सुनकर इतना मोटिवेट हो गया कि अंदर से आवाज आ रही है कि यार आग लगा दूंगा, झंडे गाड़ दूंगा, सबकी फाड़ दूंगा, धोबी पछाड़ दूंगा, मुश्किलों को झेलूंगा, हेटर्स को पेलूंगा, सबको ले लूंगा, उसके बाद बोलूंगा। कितने लोग हमारे देश में प्राउड करते हैं, देश के लिए डेडिकेटेड है कुछ लाइंस कि इस देश पे हमको प्राउड है, या कल्चर अपना रिच, आवाज भी अपनी लाउड है और ऑन है सारे स्विच, ये रेस है जो शान की, हमें करना है कमाल, देखो पीछे मुड़के हमें हुए 75 साल, हमने की कितनी तरक्की, कितनी चीजें की इजाद, 1947 से जब देश हुआ आजाद, अब आबाद है हम सारे, हमें हारना ना गवारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जहाँ तक मैंने महाभारत को समझा जितना अर्जुन को, मैं बताने की कोशिश करूँगा विथ अ इंस्पिरेशनल मैसेज, ताकि आप लोग यहाँ से कुछ लेके जाओ। अर्जुन है नाम, अचूक है वार, वायु सा तेज ये बाणों की सेज, बिछा दे हर शत्रु को मौत की नींद, सुला दे स्वयंवर में मछली की आंख को, पानी में देख के तीर चला दे, मन में जो ठाने वो करके दिखा दे, द्रोणा ने शस्त्रों का ज्ञान सिखाया, मैंने दिन रात की खुद को बनाया, अर्जुन से सीखो कि ज्ञान जरूरी है, स्किल्स के बिना ये लाइफ अधूरी है, कलयुग में लोगों के हाथों में छुरी, पापी समाज है दिल में है नफरत पर मीठी आवाज है, कैसा रिवाज अपने ही लोगों को काटो ये कैसा अंदाज है, मन से है साफ तो शक्ति अज्ञात है, सीने में ज्वाला तो कान्हा भी साथ है। अब अर्जुन के रथ को मैंने कार बोला है, तो अर्जुन की कार थी, कृष्ण थे सारथी, सामने दुश्मन की नियत थी स्वार्थी, अपनों का मोह ऐसे हराया, पार्थ ने गीता का ज्ञान जो पाया, ध्यान लगाया बाण चलाया, बरस जो तीर कमान उठाया, धर्म की रक्षा थी करनी तो शस्त्रों को धारण किया, अपनों को मारा पर रायों का वध ऐसा उदाहरण दिया। जो पहले अकड़ते थे चौड़े में चलते थे, करता में कोशिश तो टांगे पकड़ते थे, पीछे से कभी नीचे से आंखों को अपनी ये मीचे थे, ईगो थी तेरी पापा के पैसे, दोस्त भी तेरे फुकरे हो, जैसे मैं साइकिल चलाता तो बाइक भगाता था, पापा के पैसों की ऐड दिखाता था, मुझको डराता था, सपनों में आता था, मेरी गरीबी पे मुझको चिढ़ाता था, कुत्ते के जैसे मुझ पे तू खींचा, चाचा विधायक नालायक भतीजा, ब्रांडर थे कपड़े पर सोच तेरी लोकल, ट्यूशन भी बंक बियर की बॉटल, कल तक था फुकरा आज मुझसे क्यों फुकरा है, मेरी तरक्की से तेरा दिल दुख रहा है, तू घर पे खाता मैं रैप बनाता, चार लाइनों में तेरी औकात बताता, तू पहले भी जलता था आज भी है जलता, डैडी के टुकड़ों पे आज भी है पलता, फैंस भी मेरे चैंस भी मेरे, करोड़ों का बिजनेस प्लान्स भी मेरे, लेते हैं सेल्फी भाई जहां जाता है, होते हैं पंगे भीड़ तू जुटाता है, ताने घर वालों के आज भी तू खाता है, अबे तू है कौन जो इतना इतराता है। थैंक यू सो मच गाइस, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। अरे ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को इनका परफॉर्मेंस? बढ़िया है, बहुत बढ़िया।
देख लो जी, ऑडियंस पूरी दीवानी हो गई आपकी। अपने दिल की इमोशंस को जाहिर करना चाहता हूँ सर। मैंने दीपिका मैम के साथ शूट किया सॉन्ग, मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिला और वो एक अलग फीलिंग थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ भी ऐसे बैठा हुआ था, बट सर मतलब उस फीलिंग को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो मतलब इस फीलिंग का मुकाबला नहीं हो सकता। थैंक यू सर। मैं पहले रियल लाइफ हीरो के साथ मिला था, आज मैं रियल लाइफ हीरो के साथ। थैंक यू। इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ पूछे, मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे पूछने के लिए कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया मोटिवेशनल रैप करने का? मुझे पता नहीं था कि मैं रैप करूँगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो भी मैंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी से सीखा था, बिजनेस के फेलियर्स और बाकी चीज़ें, सक्सेस, सब चीज़ें शेयर कर रहा था। बट थोड़ा ना खून में एक राइमिंग है सर, मैं 8th-9th क्लास से पोइट्रीज वगैरह लिख रहा हूँ। एक बार मैंने कुछ ऐसी स्क्रिप्ट बनाई जिसमें पूरा राइमिंग टाइप था, मैंने पोस्ट किया कि यार कोई म्यूज़िक में मेरी हेल्प कर सकता है। म्यूज़िक का एम भी नहीं पता था सर, बीट मेट्रोनोम कुछ भी नहीं आता था। तो एक पर्सन है, उन्होंने हेल्प किया मुझे, और पता नहीं ऐसा जादू समझ लो आप कि मैं वहाँ पे गया था कुछ और रिकॉर्ड करने, बट 30 मिनट्स के अंदर फटाफट सब कुछ सीख के एक गाना पूरा कर लिया थे उधर स्टूडियो में। तब आपने अपना वो पहला रैप सॉन्ग रिलीज किया, तो उस पे कितने व्यूज हुए उसके बाद में? सर पहले सॉन्ग पे ही 3 मिलियन व्यूज है। 3 मिलियन व्यूज है पहले सॉन्ग पे ही? वैसे तो लोग आपके चैनल पे जा करके सुन ही लेंगे, लेकिन एक लाइन आप सुना दो। सर इस सॉन्ग की स्टोरी भी थोड़ी सी हल्की सी बताना चाहूँगा। हाँ प्लीज बताइए। मैं जयपुर से दिल्ली आ रहा था बस से, तो रास्ते में ना भानगढ़ का एक रास्ता पड़ता है, भानगढ़ हॉन्टेड प्लेस। आई नो। हाँ, वहाँ पे ना एक ड्रामेटिक टाइप ना एक पत्थर था बड़ा सा, मैं बस से देख रहा था, 2-3 सेकंड के लिए पास हुआ होगा वो पत्थर मेरे आगे। उस पत्थर ने जिंदगी बदल दी। कैसे? उस पत्थर पे लिखा था ऐसे ड्रामेटिक तरीके से भानगढ़ के लिए वार्निंग कि किस्मत है नाराज खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी। तो उसकी पहली लाइन ही ऐसे है कि किस्मत है नाराज खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी, हर मुश्किल को झेल जाएंगे, आग हो या पानी खेल जाएंगे, स्ट्रगल देख सब हो गए ढेर, मैंने चीरा फाड़ा जैसे बब्बर शेर, देर सवेर, कभी ना कभी, आज नहीं तो और कभी, करेंगे लोग गौर कभी। तो उस टाइम नहीं, लोग अब गौर कर रहे हैं। क्या बात है, ये सर पहला रैप था। ये अभी वायरल नाम कहाँ से आया? मतलब ऐसा है कि मेरा नाम अभिनव है, प्यार से लोग मुझे वैसे भाई एक काम था कह के बुलाते हैं लेकिन कॉलेज में लड़कियां भी है, सिर्फ लड़के मतलब लड़के 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 ना। हाँ ठीक है। कॉलेज के टाइम में, स्कूल टाइम पे लोग मुझे बोलते थे अभिनव अभी ऐसे कुछ करके, तो मैंने खुद ही अपने आप को पुश करना शुरू किया, मुझे अभी बोलो, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता, थोड़ा बचपना समझ लो इसको, बचकानी चीज समझ लो, बट मैं खुद ही बोलता था। फिर मैंने खुद ही नाम रखा अभी, और उस टाइम द सीक्रेट आई थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मैं सोचा कि नाम में एक वायरल होना चाहिए ताकि मैं मैनिफेस्ट करता रहूं उस चीज़ को। आपने तब अपना नाम ही अभी वायरल रखा, उसके बाद में अपनी वीडियोस बनाई। अब जी सर, फिर आप एक्चुअल में वायरल हो गए। जी सर। क्या बात है। फिर आपने YouTube पे अपना शुरू किया और आज आपके नियर अबाउट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? मेरे को लगता कितने है? इस वीडियो के बाद शायद हो जाएंगे, दुआ करता हूँ। 9,22,000 है। पक्का हो जाएंगे? और बोलो, मैंने आज तक अपने चैनल के लिए नहीं बोला, लाइक कमेंट क्या बोलते हैं बोलने दो, नहीं मेरे को आता नहीं है बोलना, मैं बोलूंगा इनके चैनल के लिए बोलूंगा आज जिंदगी में पहली बार। एक मिनट, मैंने आज तक अपने चैनल के लिए नहीं बोला लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, लेकिन इनके चैनल के लिए बोलता हूँ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई लोगों सुनो, जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं, अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर ये वीडियो अपलोड होते इनके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए, इनके पास गोल्ड प्ले बटन आना चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे होगा, आप लोगों को करना है। सर मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो लो ना हाथ मिलाओ ना। आप एक बात बताओ कि बहुत सारे लोगों को आज ये लगता है कि हम YouTube पे अपना करियर शुरू करते हैं और थोड़े से कुछ सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे तो उसके बाद में इतना पैसा आएगा उतना पैसा आएगा, तो आपके इतने सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी है, 9 लाख समथिंग है आपके सब्सक्राइबर्स, और इस वीडियो के बाद में 1 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे, तो कितना पैसा आता है एक्चुअल में? मुझे तो पता नहीं है, मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ है तो आई डोंट नो, आप बताइए मतलब एक्चुअल में कितना पैसा आता है महीने का, अगर कोई कुछ करना चाहता है तो पार्ट टाइम बेसिस पे। कितने लोग हैं जो पार्ट टाइम ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं? देखो बहुत सारे लोग हैं, तो बताइए मतलब क्या होती है इनकम, कितनी होती है, क्या होती? माफ करना थोड़ा स्वार्थी साउंड करूं तो बट मैं बताता हूं, मैंने सिर्फ 90% लोग ना सर ऐसा लगता है कि सिर्फ गूगल एडसेंस से ही पैसा कमाया जा सकता है, मतलब ज्यादातर लोगों को कि 1 मिलियन व्यूज पे कितने पैसे आ जाते हैं, इतने सब्सक्राइबर पे क्या हो जाता है, बट मैं आपको बताता हूँ वो सिर्फ लाइक एक कहते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग वैसा है, और ब्रांड से काफ़ी अच्छा पैसा आ रहा है आजकल। एक टाइम था सर आज से 4 साल पहले, हम यूट्यूबर्स 5,000-6,000 रुपये में
इंटीग्रेटेड डेडिकेटेड वीडियोज ये सब करते थे यूट्यूब पे, जो प्रमोशन होती है बेसिकली ब्रांड प्रमोशन। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे आप कोई वीडियो देखते हो यूट्यूब में और बीच में होता नहीं एकदम से वीडियो चल रही होती है और एकदम से ही ऐड जो आती है वो तो यूट्यूब के पास में पैसा जाता है, उसमें से कुछ पैसा यूट्यूब रखता है अपने पास में, कुछ यूट्यूबर को मिलता है। एक होता है स्पॉन्सरशिप, पेड स्पॉन्सरशिप, कि जैसे आप बोल रहे हो तो उन्होंने बीच में उसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे वो ब्यूटी की बात कर रहे हैं तो एकदम से बोल देंगे ये जो प्रोडक्ट है ये तो कमाल है, धमाल है, चाहे वो खुद नहीं यूज कर रहे हैं। मैं बहुत तो परेशान रहता था, स्पॉन्सरशिप है वो ऐड है। हाँ। मैं बहुत परेशान रहता था, मेरी बिल्ली मुझसे बहुत दूर भागा करती थी, तभी किसी ने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, इसको लेने के बाद तो मेरी जिंदगी ऐसे बदली, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं। तो वो जो होती है वो स्पॉन्सरशिप होती है, उसके लिए कितना पैसा मिलता है? जैसे अगर 1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं बता रहा हूँ, जहाँ आज से 2-3 साल पहले जो 5,000-10,000 में डील्स हो रही थी, तो थोड़ा सेफ साइड रहने के लिए अगर मैं अपना हटा भी दूँ, मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स का देखा है जो 6 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन पे है, ये जो डील आती है ना मतलब 30 सेकंड का एक शाउट आउट, वो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए तक भी जाता है एक स्पॉन्सरशिप का, और 1 महीने में अगर उसने 4 करी तो समझ लो वो अपने आप हिसाब लगा लो फिर वो कौन फिर वो कौन बन जाएगा। लेकिन ये आपने बताया 5-6 मिलियन, 8 मिलियन वाले का, अगर मैं बात करूँ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का तो उसमें कितना मिलता है? मैं अपना हाईएस्ट सर अगर बताऊँ जो मैंने किसी ब्रांड के साथ मेरे को पे आउट मिला है, दैट इज 7.5 लाख फॉर 1 वीडियो। और अब आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा क्यों नहीं कर लेते सर, इतनी बार तो बोल रहे हैं कि आसान है आसान है आसान है, चलो कुछ कर ही लेते हैं शायद कुछ हो ही जाए। कितने लोगों को लग रहा है एक्चुअल में अंदर से? तो करो तुम भी मेहनत, तुम्हें किसने है रोका, हाथ से ना जाने देना कोई भी तुम मौका, जो करे अच्छा काम जमाना उस पे भौंका, जमाने की ना सुनना तुम जमाना एक धोखा। ये तो हो गया आपका हाईएस्ट जो आपने चार्ज किया, दैट इज 7.5 लाख रुपए। एवरेज कितना होता है? डिपेंड करता था, 3-4 भी हो जाता है कई बारी, 2-2.5 भी रहता है कई बारी, 5 मतलब 2 एवरेज इज अराउंड 3-4 के बीच में करता है। तो इस वीडियो के बाद में जब आपके 1 मिलियन हो जाएंगे और आपका ये 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए बढ़ करके 10 लाख हो जाएगा, पैसा ही पैसा होगा, मुझे क्या फायदा है? आप कहें तो आपके लिए अपना चैनल कुर्बान दे दूं, आप जान मांगो तो यार आपके लिए जान दे दूं। अरे मैं मजाक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मेरे को सिर्फ ये है कि आप आगे लाइफ में बढ़ो, ग्रो करो, लाइफ में कुछ अच्छा करो तो मुझे देख करके खुशी होगी, बस मुझे इतना ही चाहिए। और सिर्फ आप नहीं, आप लोग भी और वो लोग जो मुझे भी वीडियो में देख रहे हैं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना आज ना जिंदगी में कभी भी। मजाक की बात है, सीरियस मत हो जाना, आपको लगे कहीं पीछे जा करके कोई एग्रीमेंट होगा हमारा और मैं हर एक से कट लूंगा, अरे ना भैया मेरा इंटरेस्ट नहीं है सब चीजों में। सर ये कुछ ऐसा सिनेरियो है कि मैं समझता हूँ कि आप जैसे गुरु द्रोण है ना, उनकी मूर्ति को देख के एकलव्य ने धनुष चलाना सीख लिया था ऐसे, तो मैंने आपकी वीडियोस, आपसे मिला नहीं कभी, अभी आज मिल रहा हूँ, बट आप अंगूठा नहीं मांगोगे, बट स्टिल मैंने आपकी वीडियो नहीं मांगूंगा, बट आपकी वीडियोस देख के सर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप जो साथ हो तो मतलब इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी सर, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में इस फीलिंग को, रैप में करूँगा कभी आगे। अगर रैप में अभी करना हो थोड़ा बहुत तो कैसे एक्सप्रेस करोगे? ये माइक पे बोले बवाल है, स्टेज पे करते कमाल है, देते हैं लोगों को लाइफ का ज्ञान, कहते हैं सारी है चीजें आसान, जो भी ये करते हैं करते कमाल है। अगर आप मेरे को 60 सेकंड दे दोगे ना, हाँ, तो मैं फोन पे कुछ लिख के, अभी जो इतने सारे लोग बैठे हैं और हम इस चीज को रैप में कर सकते हो 60 सेकंड्स में, 60 सेकंड इनको मिल रहे हैं, आप टाइप करो और कुछ करो। आपने भी जो लाइन बोली थी उसे स्टार्ट किया, बोला था अभी आपने, जो भी हम करते हैं करते कमाल है। साठ सेकंड के अंदर अंदर ऑन द स्पॉट कुछ बना रहे हैं और बना करके अभी आप एक कुछ करके दिखाएंगे तो बहुत बड़ी बात है ये। जो भी हम करते वो करते कमाल है, माइक पे बोले तो बातें बवाल है, दुनिया में पावर की ऐसी मिसाल है, चलता जो आगे तो पीछे निशान है, ये माइक पे बोले तूफान है, भर देते सपनों में जान है, माइंड में लॉजिक का बल्ब जला के सिखाया कि सब कुछ आसान है, सिखाया कि सब कुछ आसान है। और भी अच्छा, और भी लिखा है आपने, अरे एक मिनट सुनो और भी है, आधा आधा वो है तो, सिखाया कि सब कुछ आसान है, चिल्लाओ कि सब कुछ आसान है। अब अगली 4 लाइनें ऐसा होगी, मैं कुछ बोलूंगा फिर जैसे हाथ उठाऊं तो आप सब एक साथ आसान है बोलना, तो लाइक राइम करेगा वो, ये कुछ अलग ट्राई किया है, खुद का कोई बिजनेस।
बिजनेस में सक्सेस, हिम्मत दिखाना, तुम गिर गिर के सीखोगे, सीख के जीत को पाना। एक्सेलेंट, आसान आसान है, रैप करना आसान है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एबी। मैं आपको क्या बोलूं, एबी बोलूं या अभिनव बोलूं, क्या बोलूं? सर आप बात कर रहे हो, इतना ही काफी है, कुछ भी बोलो। थैंक यू सो मच एबी वायरल फॉर कमिंग। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड आई होप कि इस वीडियो के बाद में आपके 1 मिलियन कंप्लीट हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर अंदर। थैंक यू सो मच।